गुड मॉर्निंग, आज 26 जुलाई है, सुबह का 9 बजे का टाइम है। मैं सेक्टर 42 में ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो बसाती नाला शहर के बीचों बीच जो आ रहा है, आप इसमें पानी चलने का स्पीड आप देख सकते हैं किस स्पीड से पानी अभी चल रहा है। और ये बरसाती नाला है, इसमें बिना बरसात के एक बूंद पानी नहीं आना चाहिए। और पिछले 2-4-5 दिन से चंडीगढ़ में कोई बरसात नहीं हुई है। और ये पानी का स्पीड, और मैंने शुरू से दो सेक्टर बोगनविला से लेके उसको दिखाया है आपको, और वहाँ चलता है, वहाँ थोड़ा थोड़ा चलता है, जो जो आगे आता है ये नदी का रूप ले लेता है। और सब जगह थोड़ा थोड़ा जो भी फ्रेश वाटर है चाहे गंदा वाटर है, ये हालत इस नाले का है। और ये नाला शहर के बीचों बीच है चंडीगढ़ के, जिसपे सारे पार्क बने हुए हैं। और ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुताबिक बहुत बड़ा क्राइम है। एनजीटी का आज भी न्यूज आया है, कल मीटिंग हुई होगी ऑफिसरों के साथ, एनचो और सुखना चौका, कि इसमें पानी बिना बरसात के गंदा पानी नहीं आना चाहिए, जिससे घगर गंदा ना हो, आगे किसानों के खेत में जहर ना जाए। इसमें कितना प्लास्टिक है आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक भी हमारे खेतों में जाके हमें ही बर्बाद कर रहा है। जो अथॉरिटी जिनका काम इसको रोकना है, उनके लिए भी इतना ही ज़रूरी है। दूसरी बात, प्रशासन रोज़ लोगों को अवेयर करता है कि अभी मलेरिया और डेंगू का सीजन स्टार्ट है। पिछले 2-3 दिन पहले जीरकपुर में एक 23 साल की यंग लड़की की डेंगू से डेथ हुई है। और ये सरकार जो है, ये मच्छर पैदा करने की जो जगह है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों को कागजों में अवेयर करती है, डोर टू डोर सर्वे करती है, आपके कूलर में पानी नहीं होना चाहिए, घरों में पानी ठहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ सरकार की ड्यूटी है वहाँ पर ये क्या हो रहा है। अब इस पानी की चलते की स्पीड देखे कोई आदमी, किस स्पीड से पानी चल रहा है, तो सोचो बिना बरसात के इतना पानी, अगर इसमें ताज़ा पानी भी मैं मान लूँ तो ताज़ा पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है। अभी भी पिछले 1-2 दिन से पानी का प्रेशर ठीक नहीं था घरों में, बिना मोटर के सेकंड फ्लोर पे पानी नहीं चढ़ रहा है। और रोज़ हम काजोली वाटर का जो है 6 पाइपलाइन का लाने की सोच रहे हैं। पानी को ला के अगर हमने नाले में बहाना है तो इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये पानी इतना कीमती होता है, ये ऐसा प्रकृति का सोर्स है, इस पानी के बिना हम 24 घंटे जिंदा नहीं रह सकते। हवा पहला, दूसरा पानी, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और उसके बाद जो इससे नेचर को, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है इसका, और जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और जो बीमारियों का खतरा है, सब लोग इस नाले के आसपास जो पार्क है वहाँ सैर करने आते हैं। मैं सिविल सोसाइटी के लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो भी जागें और इस तरह की आवाज़ उठाएं, जिससे प्रशासन को भी जागना पड़ेगा और ये जो है गलत काम, ये रुकेगा। धन्यवाद दोस्तों।